जी हाँ बिल्कुल, और जिस हिसाब से ईडन गार्डन का माहौल रहता है, क्राउड रहता है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि 4 साल मैं कोलकाता के लिए खेला हूँ और नेक्स्ट ईयर मैं ओपोनेंट बन के आया हूँ यहाँ पे। तो ऑब्वियसली मुझे ईडन गार्डन का जो ग्राउंड है, क्राउड है, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ खेलने पर। बट इस बार अगेंस्ट द केकेआर है, तो मुझे लगता है कि और भी मज़ा आने वाला है। कल से बड़े चांसेस है हमारे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी बैटिंग रही है, काफ़ी अच्छी बैटिंग है, बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छा है। बट इस साल जो हमारा टीम का बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमने बॉलर चूज़ किए हैं, यंग से लेके और जो स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर से लेके जो स्पिनर्स हैं की बात करें, काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं हमारे पास। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लास्ट सालों में जो खामी थी बेंगलुरु के लिए, वो थी बॉलिंग का, जो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बराबर नहीं था। बट मुझे लगता है कि इस साल काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा, और आशीष नेहरा जी हमारे साथ है, तो काफ़ी काफ़ी मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करने में, और काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है उनके एक्सपीरियंस से हमें। तो मुझे लगता है कि इस बार ये टीम बिल्कुल रेडी है। मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 साल से जिस हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस चल रहा है और जिस हिसाब से मेरा फिटनेस है, तो मुझे भी लगता है कि जो मेरा पीक टाइम है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, और मैं काफ़ी काफ़ी फोकस हूँ उस चीज़ों पर। क्योंकि बिकॉज मुझे पता है कि हर चीज़ आप खेल नहीं सकते, हर चीज़ हर टाइम आपका जो परफॉर्मेंस है सेम रहेगा नहीं। बट मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इस टाइम पे मैं जितने ज़्यादा मैचेस खेलूँ अपने कंट्री के लिए, मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि मुझे पता है कि जो ये जो टाइम है मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो मेरी बॉडी है वो काफ़ी अच्छे शेप में है, मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, और जो बॉलिंग भी हो रही है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। तो क्योंकि जब जो बॉलर कभी भी यही चाहता है कि जब उसकी बॉलिंग अच्छी हो रही है तो उसकी बॉडी उसका साथ दे, तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी पूरे मेरे साथ है, और जिसकी वजह से मेरा बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, और मेरा फोकस ये है कि जो ये प्लेटफॉर्म है आईपीएल का, इसमें मैं और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा कि जो आने वाला सीज़न है उसके लिए मैं रेडी रहूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आईपीएल अगर अच्छा जाएगा तो जो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल है वो और भी अच्छा होगा वाइड बॉल के लिए, और जो भी T20 मैचेस हैं या टेस्ट क्रिकेट भी है, अगर आप बॉलिंग कंटिन्यूसली अच्छा करते रहेंगे, शॉर्टर फॉर्मेट हो या लॉन्गर फॉर्मेट हो, बट अगर आपका बॉलिंग और बॉडी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आप हर सिचुएशन में और हर प्रेशर टाइम में अपने आप को उस रंग में ढाल सकते हैं और उस हिसाब से बॉलिंग कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि जो हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल है काफ़ी रिलैक्स है, कूल है। क्योंकि अभी भी मैं 4 दिन से मैंने कैंप ज्वाइन किया है, यानी 1 वीक हो गया है ऑलमोस्ट, उसके बाद से जो मैंने माहौल देखा है, हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है, हमारा जो कैप्टन है, वो इतना कूल है। क्योंकि हमें पता है जो हमारा 100% है या 200% ग्राउंड के अंदर देना है, आपको ग्राउंड के बाहर कोई भी प्रेशर और टेंशन नहीं है, और जिस हिसाब से आपको चाहिए सपोर्ट, वो उस तरह का सपोर्ट आपको मिलता है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ बैट्समैन हो या बॉलर हो, कि आपके जो सपोर्ट स्टाफ है और आपका कैप्टन वो कितना रिलैक्स है आपके साथ, और आपके साथ कितने, यानी कहते हैं कि हंसी और मजाक करते रहते हैं, जो होता है कि जो टीम का माहौल हमेशा अच्छा रखता है। तो वो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें हमारे टीम के पास है, तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि हम लोग लड़कों का माइंड काफ़ी रिलैक्स रहता है, तो मैच के पहले कोई भी प्रेशर या ऐसा कोई सिचुएशन होता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डर या उस तरह का प्रेशर महसूस करो।